पेंशन स्कीम का फायदा तमाम उन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मिलेगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी जवान हैं अब उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा, ऐसा कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि 8 हफ्तों के अंदर जो है आपको अपनी अपनी डायरेक्शंस जारी करनी है। और तमाम जितने भी यहाँ पर बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं अब उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का ही फायदा मिलने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जितनी भी याचिकाएं दायर की गई थी उन सारी याचिकाओं को सुनते हुए ये कहा गया है कि जनाब ओल्ड पेंशन स्कीम को आप जो है वो लागू करें जितने भी पैरामिलिट्री जवान हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होगा कि इसमें फॉल कौन कौन कर रहा है, ITBP, CISF और साथ ही साथ CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की बात करें वो भी जो है वो इसमें फॉल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जहां तक आपको ये बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा अब आप सबको मिलने वाला है जितने भी पैरामिलिट्रीज के जवान हैं, और साफ तौर पर ये कहा गया है कि आपने इन्हें आधार में लटका कर रखा हुआ है, जब न्यू पेंशन स्कीम का फायदा इन्हें मिल ही नहीं सकता है तो आपने इन्हें जो है वो क्यों लटका कर रखा है, तो आप इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दें। पैरामिलिट्री फोर्सेज के इन जवानों के लिए बेहद खुशखबरी की बात है कि आप सारे खुश हो जाएं। जितने भी यहां पर जिस तरह से बात करते हैं January 1, 2004 तक भर्ती हुए हैं उनके लिए जो है वो बहुत खुशखबरी की बात है, और हाईकोर्ट ये सीधा आदेश दे रहा है केंद्र सरकार को कि आप जो है 8 हफ्तों में ये सारी डायरेक्शंस अपनी अपनी पूरी कर ले जो हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है, नहीं तो आपको कोर्ट में आकर जो है वो जवाब देना होगा। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के जवानों को अब बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्तों के भीतर आप ऐसा करिए। जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस नीना बंसल के बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के हक में ये फैसला सुनाया है, और सुनाने के बाद उन्होंने ये कहा है कि इसमें फॉल करते हैं CRPF, BSF, CISF और ITBP के जवान जितने भी हैं, ये चारों इसमें फॉल करते हैं, और जो नियम है 1972 का उसके अनुसार ये न्यू पेंशन स्कीम में फॉल ही नहीं करते हैं, तो आपने इन्हें क्यों आधार में लटका कर रखा हुआ है कि इनको नई पेंशन स्कीम के फायदे दिए जाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि 22 दिसंबर 2013 को जारी की हुई एक अधिसूचना के मुताबिक ये जितनी भी चार मैंने नाम लिए CAPF, CISF, BSF, ITBP ये फॉल ही नहीं करते हैं, तो आपने इन्हें क्यों लटका कर रखा है कि इन्हें नई पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा, तो आप इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का ही फायदा दें। और इनके लिए जिस तरह से आपको ये बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या ऐलान हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की योजना जो है वो पहले से ही मौजूद है, तो इन चारों के ऊपर न्यू पेंशन स्कीम की कोई भी योजना लागू नहीं होती है, तो आप इन्हें ओल्ड पेंशन ही दें। और गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय के अधीन आता है आर्म फोर्सेस। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को एक फैसले में कहा हवाला देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जो है 1981 का हवाला दर्शाया कि CRPF शस्त्र बलों का एक हिस्सा है। इसके आगे कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया कि सेंट्रल पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत इस कारण आर्म फोर्सेस के अधीन है, तो आप हमें इन्हें नई पेंशन स्कीम का फायदा नहीं दे सकते हैं और ना ही इन पर न्यू पेंशन स्कीम लागू होती है। तमाम 80 से ज्यादा पिटीशंस की बात करूं वो लागू हुई थी। अब पिटीशनर्स को ऐसा लग रहा था जिन्होंने पिटीशन दायर की थी कि सिर्फ हमें ही ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा, तो साफ तौर पर यहाँ पर जितने भी जस्टिस का बेंच था उन्होंने कहा कि यहाँ पर पुलिस पर्सनल जो है वो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाए, सिर्फ उन्हें ही नहीं तमाम उन पिटीशनर्स को फायदा मिलेगा जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट ने पेंशन और PW डिपार्टमेंट के नवंबर 2003 के मेमोरेंडम को 6 सितंबर 2004 के लेकर 17 दिसंबर 2022 के ऑफिस के मेमोरेंडम की रीड निकालकर इन सभी अधिसूचनाओं के अनुसार BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, असम राइफल और SSB सेंट्रल फोर्स को गृह मंत्रालय को कहा है कि आप इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दे। यानी आप एक बार फिर से सुन ले, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, असम राइफल और SSB सेंट्रल फोर्सेस को कहा है कि आप इन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम ही दें, और जो लोग पिटीशन लेकर पहुंचे थे उन्हें तो इसका फायदा मिल ही रहा है, लेकिन जो लोग पिटीशन लेकर नहीं पहुंचे थे जितने भी आर्मी के जवान उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को दी जाएगी और न्यू पेंशन स्कीम उनके ऊपर लागू ही नहीं होती है,
तभी उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम ही मिलेगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन आशिक खान का लाभ। पंजाब के नंबर वन गुरुशान भारती ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 11 घंटों में हर समस्या का समाधान फोन पर घर बैठे करवाएं, जैसे मोहिनी वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं, स्पेशलिस्ट वशीकरण मुठकरनी, किसी का किया कराया तलाक केस, गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ, लव प्रॉब्लम लव लॉस्ट बैक, संतान का सुख न मिलना, विदेश यात्रा में रुकावट, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप भी किसी भी समस्या से परेशान है तो आज ही संपर्क करें गुरु शान भारती जी से +91987864089। धन्यवाद।